नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया। मुख्यमंत्री निवास पर शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्र का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता पहनकर वैदिक विधि से शक्ति स्वरूपा माँ काली की पूजा अर्चना की है। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पर मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जब आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे, शस्त्रों की पूजा की गई है। इससे पहले कि ये तस्वीर जो बड़े स्तर पर शस्त्रों की पूजा होनी है, उससे ठीक पहले की आप देखिए आराधना मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं मां काली की। पारंपरिक तरीके से शस्त्र पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन किया। मोहन सरकार पहली बार बड़े स्तर पर शस्त्र पूजन का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में राजधानी भोपाल में डिप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा ने शस्त्र पूजन किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि सनातन धर्म में शस्त्र पूजा का आदिकाल से प्रावधान है। देवी अहिल्या माँ का आज 300वां जन्म अवसर है, उसकी भी बधाई शुभकामनाएं और उन्हीं को समर्पित आज ये शस्त्र पूजन दशहरा का पर्व मध्य प्रदेश सरकार ने जो आयोजन किया है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की बात है, क्योंकि शस्त्रों का अपना एक महत्व रहा है। न तो शस्त्र के बिना शास्त्र सुरक्षित रह सकते हैं और न राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है, इसलिए शस्त्र का आदिकाल से और हमारे सनातन संस्कृति में बड़ा महत्व है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पुलिस मुख्यालय पर आज यहाँ पर पूजा अर्चना। और अब खबर ग्वालियर से, जहाँ राजसी वेशभूषा में सिंधिया परिवार निकला है। गोरखी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शस्त्र पूजन के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और देखिए राजसी ठाट बाट में महाआर्यमन सिंधिया भी नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये लग रहा है पल। और राजसी ठाट बाट में पूरा वेशभूषा आप देखिए, राजसी वेशभूषा में परिवार के साथ सिंधिया पहुंचे हैं और साथ ही युवराज महानार्यमन भी राजसी वेशभूषा में नजर आए हैं। देवघर में रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया जा रहा है और इस मौके पर सिंधिया परिवार राजसी वेशभूषा में नजर आया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जहां राजसी वेशभूषा में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन युवराज महान आर्यमन सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। शस्त्र पूजन के लिए सिंधिया पहुंचे हैं। बड़े ही स्तर पर इस बार मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजन किया जा रहा है। मंत्री, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, हर कोई शस्त्र पूजा करता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में विजयदशमी के त्योहार की धूम है। दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ इलाकों में आज के दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शस्त्र पूजन किया जा रहा है। इसमें भोपाल, सतना, ग्वालियर, शाजापुर भी शामिल है, मंदसौर भी है। यहाँ पर देखिए कि विजयदशमी पर कैसे शस्त्र पूजन का जो आयोजन है वो चल रहा है और हथियार की जो पूजा है वो किए जा रहे हैं। हालांकि जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि शस्त्र और शास्त्रों का जो पूरा संगम है और जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पूजा होनी चाहिए हर एक चीज़ की। और इसलिए यहाँ पर आज के दिन, दशहरा के दिन, जब बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा रहा है, तो जितने भी शस्त्र हैं उनकी पूजा की जा रही है।
छतरपुर में जाम छलकाने